क्या हुआ? पता नहीं पापा इनको क्या हुआ। क्यों क्या लफड़ा करी? अरे लफड़ा मैंने नहीं करी, वो लोग लफड़ा करने वाले थे हमारे साथ। माय डियर डॉगी, बॉस को कॉल करो। नो माय डियर वकील, मुझ में फोन उठाने की भी ताकत नहीं। ठीक है, मैं ही कोशिश करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, बस दोनों की लाश को जल्दी से ठिकाने लगा दो। नहीं बॉस, हम खुद ठिकाने लग चुके हैं। क्या मतलब? बस ये समझ लीजिए कि हमने आसमान पर थूका था और हमारा ही थूक हमारे मुंह पे आ गिरा। अबे बाता की दुकान, साले साफ साफ बताओ क्या हुआ। मतलब ये कि हमारा मिशन फेल हो गया। ओफो, अभी कहाँ है बे तुम लोग, अभी किधर है? इमदादी दवा खाने के जनरल वार्ड में है। इमदादी दवा खाने में? अबे उधर क्यों जाके पड़ गए तुम लोग? लाल मिर्ची से भरा हुआ खाना खाने की वजह से। मुझे मालूम था रे, अरे मुझे मालूम था रे सालो, तुम साले सरकारी दवा खाने में पैदा हुए और इमदादी दवा खाने में ही मर जाएंगे। रखो बंस। अब साला मेरे कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी माँ कहा करती थी कि बाबू लोचा से दूर रहा कर। छोटू, मुझे तो लगता है ना बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है पापा और हमारे साथ। मतलब? ये देख, सबसे पहले तो ये चंगू मंगू पापा को कहाँ मिले, कैसे मिले हमें नहीं पता। और दूसरा ये, इन दोनों ने हमारे खाने में लाल मिर्ची की पाउडर मिला के हमें रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। हाँ, और अभी ये डिस्को हमारे भाव को किडनैप करने आया था। राइट, और ये वॉकी टॉकी भी खाली शक्ल से बेवकूफ लगते हैं। और ये दोनों के पीछे ना कोई शातिर दिमाग काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं भी यही सोच रही थी। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? इन दोनों को यहाँ से भगाना बहुत जरूरी है छोटू। अरे तो इसमें बड़ी बात क्या है? मतलब? अरे ये दोनों को अपन इतना परेशान करेंगे, ये दोनों खुद ब खुद घबरा के भाग जाएंगे। अरे ये तो अच्छा हुआ छोटू, हमारी चालाकी की वजह से ये डिचकियों वाला खतरा टल गया। हाँ सही बोली तूने। छोटू, तू इतने दिनों से मेरे साथ रह रहा है, तेरी खिदमत देख के मुझे यही लगता है तू ही मेरा वारिस बन सकता है। क्या? अरे बाबा जान, आज तो तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। बाबा जान, मैं बहुत तरसेल हूं बाप के प्यार के लिए। अब देखना बाबा जान, मैं तुम्हारे कारोबार का क्या हाल करता। क्या मतलब? अरे मतलब मैं तुम्हारे कारोबार को चार चार चांद लगा दूंगा। वेरी गुड। मगर बाबा, मैं वो छोटे को नहीं रखूंगा साथ में, मैं उसको अकाल दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा ही देवशानी है। नहीं 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 नहीं, छोटी बहुत अच्छी बच्ची है, अपने काम से बहुत ईमानदार है बेटा। तू भले उसे महीने की पगार पे रख लेना, लेकिन अपने साथ ही रखना उसे। ठीक है बाबा, तुम बोल रहे तो रख लूंगा उसको। हाँ ठीक है। लो प्रॉपर्टी के कागज, साइन करो इस पे। ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा मैं तंसा पे पढ़ने लिखने की टीम से तो नदे नाले घूम रहा था, मैं अंगूठा मार देते ना। ठीक है ठीक, लगा दो अंगूठा। मुबारक, बहुत मुबारक। आओ, आज से मैंने तुझे गोद ले लिया है, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी होगी। बाबा तुम कितने अच्छे हो बाबा, तुम कितने अच्छे। लूट लो, मैं करोड़पति बन गया, लूट लो मेरी सारी दौलत।
लूट लो, अबे ये छोटू, अबे पेपर क्यों फाड़ रहा है तू? और ये क्या बोल रहा है, लूट लो ले लो। ओ जल कुकड़ी, मेरे सपनों को तोड़ने वाली हथौड़ी है तू। जब तक के तू मेरे रास्ते से हटेंगी नहीं ना, मैं इसी सपने देखते रहूंगा। और मैं रास्ते से हटूंगी भी नहीं। चल चल, तुम कमीनी साला, बहुत ही अगो आ रही है। बा तुमने मेरे को बुलाया? कोई काम था क्या? छोटी कहाँ है? अरे छोटी कोई काम से गई भाई। ठीक है, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना बाप। जैसा कि सभी को पता है, मुझे एक वारिस चाहिए था जो मेरी प्रॉपर्टी को संभाल सके। हाँ तो उसके वास्ते मैं है ना बाप। नहीं नहीं, अब मैं कोई अपना वारिस चाहता हूँ, जैसे मेरी कोई बेटी हो, मेरा कोई बेटा हो जो मेरा वारिस बन सके। अरे पर तुम्हारी तो औरत भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कहाँ जलाएंगे फिर? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। शादी कर रहे तू? पर किससे? रुको, मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। डार्लिंग इधर आना तो जरा। इनसे मिलो, ये है मेरी मोना डार्ली, इनसे मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। और छोटू कैसा है तू? ठीक है बाप, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो इधर तो आ, अब वो मेरी बात तो सुन। चले जाने तो चप्पल ही चप्पल मारूंगी, बात करना है तो खुदा की बात कर। क्या रे, चोरों की तरह छुप छुप के काय को इशारे कर रहा था? बोल क्या बोल रहा है? यहाँ तक तो कैसे है तू? क्यों, अब कहीं आने जाने के लिए मुझे तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी? अरे चच्ची, मेरा बोलने का मतलब तू यहाँ तक पहुँची कैसे? तुझको यहाँ का पता कैसे मिला? अरे ये बड़े मियाँ का पता तो सारे इंडिया को मालूम है। मतलब तू भी ये बुड्ढे की दौलत को वारिस बनने आई क्या? वारिस नहीं, मालकिन बनने वाली हूँ उसकी दौलत की। मतलब तुझको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा नहीं है तेरे ऊपर। अरे चच्ची, मैंने तुझको बोला था ना, दौलत मिलेगी तो मैं भी दूंगा तेरे को पैसे। जब मेरे पास इतना बड़ा बैंक है तो मैं क्यों भीख मांगती फिरू तुझसे? एक बात बता, अगर प्रॉपर्टी का मालिक मर जाए तो प्रॉपर्टी किसको मिलती? उसके बच्चों को। और अगर बच्चे ना हो तो किसको मिलेगी प्रॉपर्टी? अरे उसके औरत को मिलती सारी दौलत। बस तो फिर उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर हमारे बच्चे होंगे, 6 बेटियां और 6 बेटे, हम 2 और हमारे 12। छोटा परिवार, सुखी परिवार। ऐसा ना चच्ची, ये बदला चुका रही ना तू मेरी ईमानदारी का? काय की तेरी ईमानदारी, एक फोन भी किया तूने मुझे यहाँ आने के बाद। अरे तो मैं कोशिश कर रहा ना अभी। अरे वो बुड्ढे की दौलत कहाँ मिली अभी मुझे? अरे अगर दौलत मिल गई होती ना तो तू तो भाग जाता अभी यहाँ से। इंडिया भी छोड़ देता और मुझे भी छोड़ के भाग जाता। देख चच्ची, मेरे प्लान के हिसाब से ना सब सही सही चल रहा, तू बीच में ना पाचड़ मत डाल, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि अब जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसा ना कुंडल दे रही तू मेरे को, देखता ना मैं कैसे होते तुम दोनों की शादी। अरे देख लेना, चल जा यहाँ से। हाँ देख लूंगा मैं भी, छोटू दादा है मेरा ना। अरे जा देख लेना, चल जा यहाँ से, बोर मत कर।